आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे मिस्टीरियस टेंपल के बारे में, एक ऐसा मंदिर जिसके बारे में विज्ञान को भी अपना लॉजिक देने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है। शायद आप यह जानते होंगे कि पूरी मंदिर का ध्वज हमेशा हवा की उल्टी दिशा में उड़ता है। आखिर क्यों जगन्नाथ पूरी मंदिर के ऊपर से कोई भी पक्षी या एयरप्लेन नहीं उड़ता? क्या आपको पता है, पूरी मंदिर में रोज उतना ही प्रसाद बनाया जाता है जितना वर्षों पहले से बनाया जाता है, लेकिन इस मंदिर का प्रसाद कभी खत्म नहीं होता है और ना ही कभी कम पड़ता है, चाहे 2 लाख लोग आए या फिर 3 लाख। क्या आपको पता है, प्रभु जगन्नाथ की मूर्ति में एक जिंदा हृदय यानी दिल को लगाया गया है जो आज भी धड़कता है। दोस्तों, यह तो कुछ भी नहीं, आज की इस वीडियो में हम पूरी मंदिर के कुछ ऐसे अनसुने रहस्यों के बारे में आपको बताने वाले हैं जिसको कोई भी वैज्ञानिक आज तक सुलझा नहीं पाया है। यह सभी रहस्य इतने ज्यादा भयानक और खतरनाक हैं जिसका नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं। अगर कोई आपसे कहे कि ना तो भगवान होते हैं और ना ही उनका कोई चमत्कार होता है, तो एक बार उनको यह वीडियो दिखा देना। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में कुछ ऐसे चमत्कार होते हैं जो बड़े से बड़े नास्तिक को भी पल भर में आस्तिक बना दे। आज की युवा पीढ़ी बिना कुछ सोचे और बिना कुछ जाने दूसरों के कल्चर को फॉलो करते जा रहे हैं, जबकि हमारे ही धर्म की इतनी सारी बातें और चीजें हैं जिनके बारे में उन्हें कुछ भी पता नहीं है। हम यह भूल रहे हैं कि हमारे धर्म ने संस्कृति, सभ्यता, मर्यादा और परंपरा को हर काल में जिंदा रखा है। पूरी मंदिर पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यह मंदिर ओडिशा के पूरी जिले में मौजूद है। इस मंदिर में प्रभु श्री जगन्नाथ, प्रभु श्री बलभद्र और माता सुभद्रा की पूजा की जाती है। यह मंदिर अपने आप में ही बड़ा रहस्यमय है। हाल ही में कुछ साल पहले पूरी जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार को खोला गया था, जिसकी कीमत इतनी अधिक थी कि जिसे देखकर अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाएं। आश्चर्यजनक बात यह है कि पूरी मंदिर के रत्न भंडार की सारी कक्षाओं को नहीं खोला जा सकता, क्योंकि कुछ वैज्ञानिकों के मुताबिक जब वह रत्न भंडार की कक्षाओं के जितना अंदर जाते थे उनको उतना ही डर लगता था और कक्षाओं के अंदर से उनको सांपों की आवाज सुनने को मिलती थी जो कि बहुत ही ज्यादा भयानक थी। कुछ लोग मानते हैं कि रत्न भंडार के सारे खजाने की रक्षा इन्हीं जहरीले सांपों द्वारा की जाती है। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ दुनिया के सबसे रहस्यमय मंदिर जगन्नाथ पुरी के कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में बताने वाले हैं जिनको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। कुछ ऐसे रहस्य जिनको सुलझाने के लिए तमाम कोशिश करने के बावजूद भी विज्ञान नहीं सुलझा सका। इस मंदिर के बारे में विज्ञान के पास भी लॉजिक देने के लिए कुछ भी नहीं है। आज की इस वीडियो में हम आपको जगन्नाथ पुरी से जुड़े 11 मिस्टीरियस फैक्ट्स बताने जा रहे हैं। इन 11 फैक्ट्स में जो एक फैक्ट ऐसा है जिसके बारे में आपका जानना बहुत ही जरूरी है। अगर आप कभी जगन्नाथ पुरी गए और अगर इस फैक्ट्स के बारे में नहीं जाना तो आपको बहुत ही बड़ा नुकसान हो सकता है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करने की गलती ना करें। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। 11 मिस्टीरियस फैक्ट अबाउट जगन्नाथ पुरी। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है पूरी मंदिर का ध्वज हमेशा हवा की दूसरी दिशा में उड़ता है? इस ध्वज को देखकर वैज्ञानिकों की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है, क्योंकि वैज्ञानिकों के ग्रेविटी के नियम के हिसाब से ध्वज हवा की दिशा में या नीचे की दिशा में उड़ना चाहिए था, लेकिन पूरी मंदिर का ध्वज हमेशा हवा की उल्टी दिशा में ही उड़ता है। इसके बारे में बहुत से लोग अलग अलग बातें बताते हैं। कोई बोलता है यह ध्वज जिस दिन हवा की दिशा में उड़ने लगेगा वह दिन पृथ्वी का अंतिम दिन होगा, तो कोई बोलता है कि इस ध्वज में स्वयं भगवान आकर रहते हैं इसलिए यह ध्वज उल्टी दिशा में उड़ता है। सिर्फ भारत के ही वैज्ञानिक नहीं बल्कि पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों ने इस रहस्य को सुलझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आज तक इसको कोई भी नहीं सुलझा पाया है। इस मंदिर के ध्वज का हवा की उल्टी दिशा में उड़ने का रहस्य आज भी एक रहस्य ही है। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है जगन्नाथ पुरी मंदिर के साइड में दुनिया का सबसे बड़ा रसोई का भंडार है? इस रसोई भंडार में 500 रसोइये और 300 सहकर्मी काम करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे इसमें कौन सी रहस्य वाली बात है। रहस्य की बात यह है कि इस रसोई में आज भी लकड़ी से ही प्रसाद बनाया जाता है और प्रसाद जिसमें बनाया जाता है
वो मिट्टी के बर्तनों में ही बनाया जाता है। सबसे बड़े रहस्य की बात यह है कि प्रसाद बनाने के लिए 7 मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल किया जाता है और इन 7 मिट्टी के बर्तनों को एक के ऊपर एक रखा जाता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जो सबसे ऊपर का मिट्टी का बर्तन होता है, यानी 7वें नंबर के बर्तन का प्रसाद सबसे पहले पकता है, फिर 6वें बर्तन का प्रसाद पकता है, फिर 5वां बर्तन का, ऐसे बनते बनते सबसे निचले भाग के बर्तन का प्रसाद सबसे बाद में पकता है। वैसा होना तो यह चाहिए था कि आग के सबसे करीब जो बर्तन रखा है, यानी कि पहले नंबर के बर्तन के प्रसाद को सबसे पहले पकना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता। बिल्कुल यहाँ पर इसके विपरीत उल्टा होता है। पहले बर्तन की जगह सबसे बाद के बर्तन का भोजन पहले पकता है। जगन्नाथ पुरी मंदिर में होने वाले इस रहस्य ने तो साइंस के सारे नियम कायदों की ही धज्जियां उड़ा के रख दी है, क्योंकि साइंस के मुताबिक सबसे पहले नंबर के बर्तन में प्रसाद बनना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर तो 7वें नंबर के बर्तन में प्रसाद सबसे पहले बनता है। इसका जवाब आज तक कोई भी नहीं ढूंढ पाया है। इसके पीछे का लॉजिक विज्ञान के पास भी नहीं है। इसके अलावा श्री जगन्नाथ पुरी मंदिर में हर रोज एक निश्चित मात्रा में ही प्रसाद बनता है, लेकिन चाहे पुरी मंदिर में 1 लाख लोग आए या फिर 2 लाख लोग आए, इस मंदिर का प्रसाद कभी भी खत्म नहीं होता है। और हैरानी की बात यह भी है कि जब पुरी मंदिर बंद होने का समय होता है, तब प्रसाद अपने आप ही खत्म हो जाता है, यानी कि ना तो कभी प्रसाद कम पड़ता है और ना ही कभी बचता है। अब यह कैसे पॉसिबल हो सकता है? यही तो है भगवान जगन्नाथ पुरी का चमत्कार। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है जगन्नाथ पुरी मंदिर का ध्वज हर दिन बदला जाता है? अब आप सोच रहे होंगे इसमें खास क्या है। रुकिए रुकिए, आपने पूरी बात अब तक सुनी कहाँ है। श्री जगन्नाथ पुरी मंदिर की ऊंचाई 214 फीट है, जो कि बहुत ऊंचा होता है। लेकिन जब इसके ध्वज को बदला जाता है, तो इस मंदिर को चढ़ते वक्त बिना कोई रस्सी, बिना कोई सेफ्टी और बिना किसी उपकरण के मंदिर के ऊपर चढ़ते हैं। सिर्फ आखिरी गुंबद को छोड़कर इसके अलावा जब पूरी मंदिर के ऊपर चढ़ते हैं, तो बिना चप्पल और अपने उल्टे हाथ से ऊपर चढ़ते हैं। उल्टे हाथ से मतलब यह है कि सीधे होकर मंदिर के ऊपर नहीं चढ़ते, बल्कि उल्टे होकर इस मंदिर के ऊपर चढ़ते हैं। आपको इस वीडियो क्लिप में दिखाई दे रहा होगा। रस्सी का इस्तेमाल करना क्यों मना है, यह आज तक एक रहस्य ही है। आश्चर्य वाली बात यह है कि जब मंदिर के ऊपर चढ़ते हैं, तो अपने उल्टे हाथों से ही क्यों ऊपर चढ़ते हैं, और जो ऊपर चढ़ते हैं वह बिना किसी रस्सी और बिना कोई सेफ्टी के साथ ऊपर क्यों जाते हैं, उनको कुछ क्यों नहीं होता है, और वह कभी भी नीचे क्यों नहीं गिरते हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि यह प्रभु जगन्नाथ कृपा है, इसलिए आज तक किसी के भी साथ कोई हादसा नहीं हुआ है। ऐसा भी कहा जाता है कि अगर प्रभु श्री जगन्नाथ मंदिर के ध्वज को अगर हर रोज नहीं बदला गया, तो मंदिर 1800 साल के लिए बंद हो जाएगा। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता है इस मंदिर के 214 फीट की गुंबद की परछाई आज तक नहीं बनी है? जी हाँ, यह बात 100% सही है। आज तक कभी भी और किसी भी समय में इस मंदिर के डोम की परछाई किसी को भी नहीं दिखाई दी। फैक्ट नंबर 5, अभी हाल ही के 2-3 वर्षों की बात है, एक दिन ऐसा हुआ कि प्रभु श्री जगन्नाथ के मंदिर के रत्न भंडार, जहां पर सोना चांदी हीरे वगैरह रखे जाते हैं, उस दरवाजे की चाबी पुजारियों के हाथ से गुम हो गई। फिर सभी पुजारी दिन रात एक करके उस चाबी को ढूंढने में लग गए, लेकिन उनको वह चाबी कहीं नहीं मिली। इसलिए रत्न भंडार के दरवाजे की चाबी न मिलने की वजह से प्रभु जगन्नाथ मंदिर के द्वार को जल्दी बंद कर दिया जाता था। उसी दौरान देहरादून से सीमा नाम की एक लड़की प्रभु जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए आई थी, लेकिन चाबी गुम हो जाने की वजह से मंदिर के मुख्य द्वार को जल्दी बंद कर दिया जाता था, इसलिए वह प्रभु के दर्शन नहीं कर पाई। अब सीमा के पास दो ही ऑप्शन थे, या तो वह दूसरे दिन प्रभु के दर्शन करे, या फिर सुबह अपनी माँ के पास चली जाए, जो कि एक अस्पताल में अपनी जिंदगी और मौत के साथ लड़ रही थी। सीमा ने निर्णय लिया कि कुछ भी हो, वह प्रभु के दर्शन करके ही जाएगी, और वह उसी द्वार के पास ही सो गई। फिर अचानक रात 1 बजे सीमा को यह एहसास हुआ कि प्रभु खुद उसे मंदिर के अंदर बुला रहे हैं। फिर सीमा की नींद टूटी और मंदिर का दरवाजा अपने आप खुल गया। फिर सीमा ने तीनों प्रभु के दर्शन करने के बाद जब सीमा ने नीचे देखा, तो उसे एक ब्राउन कलर का लिफाफा मिला। उसने उस लिफाफे को खोला, जिसमें एक चाबी थी और उसमें लिखा था रत्न भंडार की चाबी। फिर सीमा ने रत्न भंडार के कमरे को ढूंढ लिया और उस चाबी से रत्न भंडार के दरवाजे को खोल भी लिया,
और देखा कि उस कमरे में सोना चांदी हीरे मोती भरे पड़े हैं। अब वह चाहती तो उस कमरे में से कुछ हीरे या सोना लेकर अपनी माँ का इलाज करा सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और दरवाजे को फिर से बंद करके उसी जगह वह चाबी रख दी। फिर वह अपनी माँ के पास यानी देहरादून चली गई। इसके बाद अब आता है कहानी में ट्विस्ट। सीमा के पास उसकी माँ के इलाज के लिए पैसे नहीं थे और वह काफी चिंता में थी अपनी माँ के इलाज के लिए वह कैसे पैसे अरेंज करे। लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने सीमा को चकित कर दिया। एक अनजान आदमी ने उसकी माँ के सभी मेडिकल खर्च के पैसे भर दिए और वह अनजान आदमी कौन था यह आज तक किसी को भी नहीं पता चला। अब सवाल यह आता है कि क्या सच में प्रभु जगन्नाथ ने सीमा की मदद की या फिर सच में कोई इंसान था जो सीमा की माँ के इलाज के लिए पैसे देकर चला गया। यह बात आज तक एक रहस्य ही बनकर रह गई है। अब यह बात लोग सुनते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। फैक्ट नंबर 6, जगन्नाथपुरी मंदिर समुद्र के बहुत करीब मौजूद है। लेकिन अचरज वाली बात यह है कि मंदिर के अंदर आपको समुद्र की आवाजें सुनाई नहीं देगी। जैसे ही आप सिंह द्वार के अंदर प्रवेश करेंगे आपको समुद्र की आवाज बिल्कुल भी सुनाई देना बंद हो जाएगी। क्या यह सच में कोई जादू है या फिर सच में भगवान का ही कोई चमत्कार है यह आज तक कोई भी नहीं जान पाया। फैक्ट नंबर 7, आप लोगों ने देखा होगा मंदिर में पक्षी वगैरह बैठे रहते हैं और मंदिर के ध्वज के आसपास भी उड़ते रहते हैं, लेकिन आप यह पूरी मंदिर में कभी नहीं देख सकते। पूरी मंदिर के ऊपर ना तो कोई पक्षी उड़ता नजर आएगा और ना ही इस मंदिर के ऊपर कोई पक्षी बैठा हुआ नजर आएगा। यह बात खुद वैज्ञानिकों को भी आश्चर्यचकित कर देती है। क्या आपको पता है श्री जगन्नाथ मंदिर के ऊपर से कोई भी हवाई जहाज या फिर एयरप्लेन भी नहीं उड़ सकता। फैक्ट नंबर 8, क्या आपको पता है प्रभु श्री जगन्नाथ, प्रभु श्री बलभद्र और माता सुभद्रा की मूर्ति जो पूरी मंदिर में पूजी जाती है, इन मूर्तियों के अंदर दिल होता है। ऐसा बोला जाता है कि जब 12 साल पूरे होते हैं और जब नई मूर्तियां बनाई जाती है तो पुरानी मूर्ति से दिल निकाल कर नई मूर्ति में डाल दिया जाता है। अचरज की बात यह है कि जब मूर्ति के अंदर दिल लगाया जाता है तब सारे पूरी जिले की पावर सप्लाई बंद कर दी जाती है। जब तक भगवान की मूर्तियों के अंदर उनके दिल को लगाया नहीं जाता है और जो इस मंदिर के पुजारी होते हैं वह भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध कर ही अंदर जाते हैं मूर्ति के दिल को बदलने के लिए। अब सवाल यह आता है क्या सच में भगवान की मूर्तियों के अंदर दिल रखा जाता है या फिर यह एक अफवाह है। आज तक यह एक रहस्य ही है। फैक्ट नंबर 9, क्या आपको पता है कुछ साल पहले प्रभु श्री जगन्नाथ मंदिर के ऊपर के भाग से एक बड़ा पत्थर नीचे गिरा था। इसमें रहस्य की बात यह है कि पूरी मंदिर के आसपास हर समय लोग आते जाते रहते हैं और पत्थर का साइज भी काफी बड़ा था, लेकिन जब पत्थर गिरा उस समय भी उस जगह पर काफी लोग आ जा रहे थे, लेकिन उस पत्थर की वजह से किसी को भी चोट तक नहीं लगी जबकि पत्थर का आकार भी काफी बड़ा था। यह बात सभी लोगों को एकदम से हैरान कर देती है क्योंकि जैसे कि हमने आपको बताया है कि पूरी मंदिर की ऊंचाई 214 फीट है और इस ऊंचाई से एक बड़ा पत्थर नीचे गिरा और किसी को कुछ नहीं हुआ। इस घटना के बाद लोग बोलने लगे प्रभु श्री जगन्नाथ सच में हैं और वह सभी लोगों के ऊपर अपनी छत्र छाया बना कर रखते हैं। अब सच में यह कोई इत्तेफाक था या फिर सच में प्रभु श्री जगन्नाथ की कृपा थी यह भी एक बड़ा रहस्य है। फैक्ट नंबर 10, यदि आप जगन्नाथपुरी जाने का अपने मन में विचार कर रहे हैं तो इस बात को जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। जगन्नाथपुरी को धरती का वैकुंठ माना जाता है जिसके दर्शन मात्र से ही इंसान हमेशा के लिए पाप मुक्त हो जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान जगन्नाथ के दर्शन करके सभी लोग पाप मुक्त होने लगे थे। तभी यह देखकर यमराज जी चिंतित होने लगे और भगवान श्री जगन्नाथ के पास पहुँचे और उनसे कहा कि हे प्रभु, आपने पाप मुक्ति का यह सबसे सरल उपाय बताकर अच्छा नहीं किया। लोग आपके दर्शन मात्र से ही पाप मुक्त होने लगे हैं, इसलिए अब कोई भी यमलोक में नहीं आ रहा है। तभी यमराज जी की यह बात सुनकर भगवान जगन्नाथ ने कहा कि आप मंदिर के मुख्य द्वार की तीसरी सीढ़ी पर अपना स्थान ग्रहण कर लें, जिसे यमशिला के नाम से जाना जाएगा। जो व्यक्ति मेरे दर्शन करने के बाद इस शिला पर पैर रखेगा उसके तभी सभी पुण्य शून्य हो जाएंगे और उसे यमलोक जाना पड़ेगा। अगर आप जगन्नाथपुरी दर्शन करने के लिए जा रहे हैं तो मंदिर में कुल 22 सीढ़ियां हैं, जिसमें आपको दर्शन करने के बाद नीचे से शुरुआत की तीसरी सीढ़ी का ध्यान रखना है और उस पर आपको अपने पैरों को रखने से बचना है, वरना आपके दर्शन के सभी पुण्य नष्ट हो जाएंगे। यमशिला की एक और पहचान यह है कि यह एक काले रंग का चमकता हुआ पत्थर है जिसे आप आसानी से पहचान सकते हैं। फैक्ट नंबर 11, जगन्नाथपुरी के बाहर स्वर्ग द्वार है जहां मोक्ष प्राप्ति के लिए शव जलाए जाते हैं।
मंदिर से बाहर निकलने पर लाशों के जलने की गंध महसूस होती है, लेकिन आप जैसे ही अपना एक कदम भी सिंह द्वार के अंदर रखते हैं, तो आपको चिताओं की गंध आना तुरंत बंद हो जाती है। तो जगन्नाथपुरी के बारे में और भी कई सारी बातें, कहानियाँ और रहस्य है, जिनके बारे में हम किसी अन्य वीडियो में बात करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें, और चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।